हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेजेस किचन। दिवाली का माहौल है तो हमको बच्चों को भी खुश करना है, इसीलिए हम बच्चों के फेवरेट चॉकलेट कोकोनट बार बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं झटपट से इसकी रेसिपी। चॉकलेट कोकोनट बार बनाने के लिए पहले हम नारियल का कोकोनट का स्टफिंग बनाएंगे, जिसमें मैंने एक बाउल डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, नारियल का बूरा। सेम अमाउंट मेजरमेंट से मैंने एक बाउल मिल्क लिया है। सेम मेजरमेंट है बाउल के, तीनों सेम है, इसलिए आधा बाउल है मैंने शक्कर लिया है। एक टेबलस्पून यहाँ पर मिल्क पाउडर है और ये दो चॉकलेट बार है जो हम मिल्क कंपाउंड जो बाहर मिलता है वही है। अब कोकोनट स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक ये जो बाउल रखा है, उस पैन रखा है, उसमें ये दूध है वो मैं इसमें करूँगी। मैंने गैस स्लो मीडियम पे रखा है, स्लो टू मीडियम है, और ये आधा बाउल शक्कर भी ले लिया है। हमको ये शक्कर यहाँ पर इसमें मेल्ट हो जाए तब तक इसको चलाना है। दूध मैंने वार्म लिया है, ठंडा नहीं है, इसीलिए इसको होते हुए टाइम नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गए, मेरी यहाँ पर जो मैंने चीनी डाली थी शक्कर वो मेल्ट हो गई है। अब उसको मैं और 5 मिनट रखूंगी यहाँ पर, ताकि हमको चाशनी नहीं बनानी है, पर थोड़ा सा थिक हो जाए बस। फ्रेंड्स यहाँ पर शक्कर पिघलने के बाद 5 मिनट्स हो गए हैं। मैं यहाँ पर ये जो मैंने हमारा कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट वो यहाँ पर इसमें धीरे धीरे डाल के मिक्स करूँगी। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया, ये थोड़ा यहाँ पर दूध है, हम इसको थोड़ी देर आंच पर रखेंगे। ये जो मैंने पाउडर भी लिया है 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, ये भी हम इसी स्टेज पर इसमें मिला लेंगे। मिल्क पाउडर हमने थोड़ा सा मिल्क टेक्सचर के लिए दिया है, क्योंकि ये स्टफिंग में बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। फ्रेंड्स देखिए इसका ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैं गैस की आंच को थोड़ा बंद कर देती हूँ, और शेप देना है तो हम उसको हाथ लगा सके उतना हमको उसको ठंडा करना है, फिर हम शेप उसका बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो है, अब मैं इसको हाथ लगा सकूँ उतना ठंडा हो गया। मैंने हाथ को घी से ग्रीस कर लिया है और यहाँ पर हम वो शेप बनाएंगे, थोड़ा ओवल शेप है वो शेप ले लेंगे। इसमें मैंने सिल्वर फॉइल रख के इसको रेडी कर दिया है, और इसको हम अब इसको पूरे सारे इसको ऐसे शेप बना के हम 40 टू 45 मिनट्स हम इसको फ्रीज में रख देंगे, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए और इसको हम कोट कर सके चॉकलेट से। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर ये जो शेप है वो ओवल शेप में सब कुछ रेडी कर दिया है। अब ये प्लेट को मैं 40 टू 45 मिनट्स फ्रीज में सेट करने के लिए रख देंगे, क्योंकि ये हल्का सा भी गर्म है, गर्म चॉकलेट में गर्म नहीं डाल सकते, इसलिए इसको सेट करने के लिए हम रख देते हैं। और तब तक हम ये प्रिपरेशन करेंगे। मैंने पानी गर्म करने को नीचे रख लिया है और एक बाउल में चॉकलेट ले लिए। हम इसको डायरेक्ट गर्म नहीं कर सकते, इसीलिए इसको इस तरह से गर्म करेंगे। आप इसको माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं चॉकलेट को। फ्रेंड्स देखिए, इसको 40 मिनट्स हो गए, ये हमारे सेट हो गए हैं जो कोकोनट बॉल्स हमने बनाए थे। आप कोई भी शेप होल्ड कर सकते हो इसमें। ये मैंने अब देखो, इसको मैं यहाँ पर ये चॉकलेट मैंने मेल्ट करके रखी थी, मैंने आपको बताया था, तो मैं इसमें डिप करके इस तरह से इसको कोट कर देंगे हम। अभी इसको हम लेके एक एक जो प्लेट है इसमें हम इस तरह से रख देंगे। इसको अच्छी तरह से कोट करके रखना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कोकोनट के जो बॉल्स बनाए थे उसको मैंने चॉकलेट से पूरा कवर कर दिया है, और वापस से इसको हम फ्रीज में 1-2 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख देंगे। देखिए इसको 2 घंटे हो गए, हम इसको धीरे से इसमें से निकालेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये जो चॉकलेट है, देखो कितनी अच्छी बनी। हम थोड़ा उसको ना शेप देने के लिए इस तरह से थोड़ा सा हम राउंड जैसा करके इसको इस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए इसको हम इस तरह से शेप कर लेंगे, ये देखिए, तो एक्स्ट्रा चॉकलेट भी निकल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे चॉकलेट कोकोनट बार रेडी है। ये देखिए मैंने ये कट करके बताया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा यम्मी रिजल्ट है। और आपको ये मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके कमेंट बॉक्स में लिखना भूलना नहीं। थैंक यू।